स्टार्ट आवर क्लास क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पोएम को एक्सप्लेन कर दिया था, आज हम करवाएंगे बुक वर्क। तो देखिए वर्किंग विथ द पोएम, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डू यू एग्री विथ व्हाट द पोएट सेज, टॉक योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। आपने पोएम को पढ़ लिया है तो क्या आप पोएट के बातों से एग्री हैं, उसको आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए गए हैं तो देखिए फर्स्ट दिया हुआ है आपका आ हाउस इज मेड अप ऑफ, पोएम में आपने पढ़ा था आ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। तो यहाँ पे आप क्या फील कर देंगे, ब्रिक एंड स्टोन। सेकेंड दिया है इट हैज विंडो कॉमा अ यार्ड टेड फ्लोर्स roof and doors। इसमें क्या क्या होती है, एक हाउस में विंडो होता है, यार्ड होता है, टेड होता है, फ्लोर्स होता है, रूफ होता है एंड डोर्स होता है। थर्ड दिया अ होम इज मेड बाय, होम किसके द्वारा बनता है, किसके द्वारा मेड होता है, होम इज मेड बाय लविंग फैमिली। फोर्थ दिया है इट हैज, इसमें क्या क्या होता है, सेल्फनेस एंड केयरिंग मेंबर्स। सेकेंड दिया है नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट योर हाउस एंड होम, इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है अपने हाउस से रिलेटेड, आपके हाउस से रिलेटेड ये सेंटेंस, इसको आपको क्या करना है कंप्लीट करना है। फर्स्ट दिया हुआ है माई हाउस इज ऑफ ब्रेक्स एंड मार्बल स्टोन। तो यहाँ पर दिया माई हाउस इज, यानी कि आपका हाउस किससे बना हुआ है, हम यहाँ पे फील कर दिए हैं माई हाउस इज ऑफ ब्रिक्स एंड मार्बल स्टोन। आपका हाउस जिस चीज़ से बना होगा उसको आप यहाँ पर फील करोगे। सेकेंड द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम, आपके थिंग आपके होम में बेस्ट थिंग क्या है उसको यहाँ पे आपको राइट करना है। तो यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं डैट ऑल इट्स मेंबर आर कोऑपरेटिव। यहाँ मेरी फैमिली में सबके जो सभी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, वो लोग कोऑपरेटिव हैं। आपकी फैमिली में जो भी थिंग्स आपको बेस्ट लगता होगा उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे राइट करेंगे। तो आप इस बुक वर्क को कंप्लीट करेंगे, आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।